बैक माई चैनल। तो आज है संडे, आज है वेडनेसडे और आज तारीख है सिक्स तारीख है और अप्रैल महीना है। तो यहाँ पे देखिए, मेरी रात को जो नेक्स्ट वीडियो में मैंने जो प्रिपरेशन अप्पे का दिखाया था ना, तो सुबह मॉर्निंग में सब ने टिफिन ले गए थे, मेरे लिए इतने बचा के रख दिए थे, मतलब मैंने इतने बचाए थे तो वही खा ली। जोर से बस हाँ तो यहाँ पे फिर कुहू का जो पोयम आपने सुना था ना, उसने बोला कि मेरा है ना वैसे का वैसा ही, मेरा राइम्स दिखाना, वीडियो बनाओ, क्योंकि मैं अच्छे स्कूल में जाती हूँ और मैं पढ़ाई भी करती हूँ, तो मेरे को है ना पूरी राइम्स याद है। तो आप है ना मामी मेरा वीडियो बनाओ, तो मैंने उसका वीडियो बना लिया था। फिर उसके बाद ये देखिए, उसको मैं अप्पे शाम को भी हमारे अप्पे बनाए थे, तो अप्पे है ना बहुत पसंद है, तो बच्चा था ना फिर और बेटर, क्योंकि दीदी भी आ गई थी, कुहू की दादी और मेरी नंद, तो ये आ गए थे, तो हम लोगों ने बोला क्योंकि शाम के समय अभी आज है ना अपन अप्पे बनाते हैं, और कुहू भी है ना बहुत कम आती है ना, तो अभी आ रही है थोड़ा सा, तो उसको बोले चलो खिला देते हैं। और उसके बाद ये जाने लगी, तो देखिए कैसे मस्त कैप वगैरह पहन के आती है और हाथ को काले ना होकर के कोट वगैरह पहन के आई। फिर उसके बाद हम लोग है ना, मैं है ना कहीं मार्केट गई, फिर उधर से आके बैठ गए, और ये सात काली चाय पी रही हूँ, 7 बजे का समय है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं है ना काली चाय पी के मतलब बैठी थी, क्योंकि शाम के समय बहुत अच्छा लगता है, ये 7 बजे का समय अंधेरा में वहीं से आ गए बाहर से, और बाहर ही बैठ रही थी, तो सब अंदर थे और मैं और टिंकल बाहर, और टिंकल अपना कुछ काम कर रहा था, मैं उसके साथ थोड़ी बात कर रही थी। तो बस बहुत सारी तैयारी भी करनी है, कहाँ जाने की, वो तो मैं बाद में बताऊँगी आपको। तो बस यही कुछ हम लोगों का चल रहा है गाइज, और हम लोगों की है ना रोटी के लिए लड़ाई, मस्त माँ बेटी की लड़ाई हो रही, बहन बहन छीन रहे, छिना छानी चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कड़क रोटी है ना वो सबको पसंद है। तो यही हमारा सिंपल सा रूटीन है आज का, और इस समय है ना मुझे बाहर बैठना इतना अच्छा ठंडा, लेकिन बच्चे परेशान करते हैं ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा बैठती नहीं, कोई बैठता है तभी मैं बैठ जाती हूँ, और सुबह से तो मैं कभी बाहर निकलती नहीं हूँ, यही कुछ है हमारा रूटीन। तो उसके बाद फिर हम लोग आए, और डिनर के लिए देखो हमने क्या बनाया, कढ़ी दाल चावल और चने की दाल सुबह की थी वही था, और यहाँ पे पकौड़े जो ये किए थे ना निकाले थे कढ़ी के लिए, तो वो मैं कढ़ी में डाल रही हूँ, और इतनी कढ़ी हम लोगों को हो जाती है, बहुत कम मतलब खाना लगता है हम लोगों को, क्योंकि नाश्ता वगैरह कर लेते हैं ना, तो खाना पेट उतना भूख नहीं रहती है, और ये कढ़ी तो मेरी फेवरेट है, आज के डिनर में बहुत टेस्टी मतलब खाना बनाता हूँ। कढ़ी चावल मुझे मिल जाए ना, मतलब आप लोग गड़ी गड़ी वाली कढ़ी बनाते हैं, हम लोग ना ऐसे पतली वाली बनाते है, तो हम लोगों को मतलब पीने लायक कड़ी होनी चाहिए, और भजे भी कभी नहीं डालते हैं, लेकिन यहाँ आके मैं डालने लगी हूँ, बोलते हैं कि सुनी कड़ी नहीं रखनी चाहिए इसीलिए। तो यही कुछ हमारा डिनर था, और यहाँ पे देखिए परी है ना पकोड़े छोड़ रही, तो मैं उसके है ना हाथ पकड़ रही हूँ, क्योंकि मैं बोल रही थी उसको कि थोड़ी सी पकौड़े है मत खा, क्योंकि थोड़ी सी बस कड़ी के लिए डाली, और वो बड़ी मस्त लग रही गर्म गर्म, तो छीन रही है, और मैं उसको है ना वापस ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया उसको, तो इतना कुछ मज़ा था।
तो बस आज, और यहाँ पे मैं ना आपको थोड़ा म्यूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डीजे बज रहा था, तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ना बहुत जम के डीजे बज रहा था, मैं तो मतलब वॉइस दिख रही थी। तो मैं बता रही कि हमारा आज का आज बहुत समय के बाद मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मतलब टाइम के बाद सुबह से, जो मतलब स्टार्टिंग वीडियो से बोलने से नहीं किया मैंने, अपने से स्टार्टिंग किया ऐसे बात कर रही। और मैंने कहा चलो अभी डिनर की तैयारी हो गई, हम लोगों ने कढ़ी बनाई और रोटी की छिना झपटी हो जाएगी, ऐसे कुछ बात कर रही थी माँ बेटी में ना रोटी की, क्योंकि हमारे यहाँ जो रोटी बनती है ना आखिरी वाली वो कड़क रहती है और डिक्की को मेरे को बहुत पसंद है। वैसे हम लोग खुद नहीं गर्म करते हैं, वो डिक्की के पापा है ना गर्म करके हमको देते हैं, और खुद रहे तो हम ऐसे सॉफ्ट खा लेंगे, लेकिन जो कड़क वाली रहती है ना बहुत अच्छे से वो कड़क गर्म कर देते हैं डेली हमको, तो वो हम है ना मतलब बनाते तो हम लोग हैं, लेकिन जो आखिरी वाली रोटी है ना उनके वो है ना ऐसे गर्म करके गैस पर सेक के देते पापड़ जैसी, तो वो हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। और डिक्की है ना वो हमेशा मेरे हाथ से है ना छीन लेती है, तो मैं भी है ना उसके हाथ से छीन लेती हूँ, तो बहुत मतलब मज़ा आता है। तो ऐसा ही कुछ रूटीन चल रहा है हम लोगों का, तो डिनर की तैयारी हो रही थी मैं आपको बता रही। तो क्रिस्पी क्रिस्पी लगती है, देखिए वो भी बोल रहे हैं क्रिस्पी क्रिस्पी लगती है, उनको भी बहुत पसंद है, बस परी को नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए डिनर की तैयारी चल रही है, ये देखिए सॉरी डिनर ले आए अब बैठेंगे, वो देखिए ये जो रोटी है ना ये रोटी के लिए छीना झपटी, और डिंकी कहाँ कहाँ भगी ये रोटी लेके, और मैं खींच रही हूँ इधर, उधर परी भी खींच लेगी, मतलब परी को पसंद है, लेकिन परी का कहना मम्मी को दे दो तुम क्यों खा रही हो, तो ऐसा है। और मैं डिंकी को बोलती थी ये देखिए वो रोटी के लिए कैसे ऐसा लग रहा है कि पापड़ खा रहे हैं, बाकी सिंपल रोटी नहीं खाएंगे लेकिन इस रोटी के लिए है ना बहुत, देखो देखो वो परी भी ऐसी छीन रही है। गाइस अभी 10:30 बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं, 10:30 बज चुके हैं, तो देख सकते हैं 10:30 बज चुके हैं, और है ना अभी क्या हम लोगों की घड़ी है ना 5 मिनट आगे इसलिए रखते हैं ताकि हम मतलब लेट भी हो जाए तो थोड़ा सा, ये ड्यूटी पे जाते हैं ना तो थोड़ा मतलब टाइम से ये हो जाए, थोड़ा ब्लैक ब्लैक से आ रहा है रहे के। तो वीडियो का एंड भी करना था, और हमारा डिनर हो गया है, और देखिए रोटी के लिए डिंकी परी कैसी ये कर रही थी। आज का व्लॉग में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बोलूँ किसके पैर है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल से आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप देखते ही नहीं उतने अच्छे, तो उससे अच्छा मतलब इतनी मेहनत करें और आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो बस जितना है उतना ही मैं ही ठीक है। तो अभी मुझे ना एक चैलेंजिंग मतलब चैलेंज आया था वीडियो, वो बलून चैलेंज, तो मैं ज़रूर करूँगी उनकी पूरी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है बलून चैलेंज, बिग बलून, तो मैं करूँगी जब कब मौका मिलता है तो देखती हूँ। तो क्योंकि कल परसों एक कमेंट्स आया था कि आप है ना बलून चैलेंज कीजिए और बहुत बड़ा वाला बिग बलून्स, तो देखते कब होता है। तो अभी बस वीडियो का एंड करना था, और हमारा खाना वगैरह बर्तन वगैरह सब हो गए हैं, बस अब जा रहे सोने के लिए क्योंकि सुबह भी आप सब की तरफ स्कूल स्टार्ट हो गई है, यूपी बिहार और पता है यूपी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अभी पेपर स्टार्ट होने के हैं, क्योंकि मेरी जो सिस का लड़का है ना छोटा वाला उसके तो अभी पेपर ही नहीं हुए हैं, अभी इस महीने से होंगे शायद 15-16 से ऐसा कुछ आया है, मतलब उसने बताया था। तो अभी इधर हो गए हैं जैसे एमपी है यूपी है इधर, क्योंकि मैं वीडियो में देखती हूँ ना सबके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, सब जाने लगे कोरोना के बाद, तो बच्चों को भी एक्साइट है और इतनी धूप में जाते भी हैं तो सुबह उठना पड़ता है उनके लिए। तो बस अब वीडियो का एंड भी करना था, तो चलते हैं मिलते हैं। और हाँ जो गाइज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिना सब्सक्राइब के हमारा वीडियो ना देखिए, और लाइक भी लाइक तो बनता ही है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहिए।